तैयार है, अब सिर्फ पकौड़े बनाने के लिए तैयार। नमस्कार दोस्तों, एसपी कुकिंग नई मीटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम पालक के पकौड़े बनाएंगे और साथ में उसकी ग्रेवी बनाएंगे और सब्जी उसकी बनाएंगे। तो चलिए फटाफट मेरे किचन में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम पालक के पकौड़े की तैयारी करें। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डाल दे रहे हैं। एक एक करके आपको सामान बताते जा रहे हैं। गरम मसाला डाल दे रहे हैं आधा चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास कश्मीरी नहीं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। जीरा पाउडर डाल दे रहे हैं, जीरा है आधा। ये हमारे पास सौंफ का पाउडर है। ये हमारे पास अजवाइन है, अजवाइन को हम हाथों में लेके क्रश कर लेते हैं। और इन सब मसालों को डालने के बाद मिला लेते हैं। पहले एक बार मिलाने के बाद हम इसका गाढ़ा घोल बना लेते हैं। अभी एक बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें गाढ़ा घोल बनाना है। तैयार कर लिया है, अब इसको हम साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। हम नमक डाल दे रहे हैं। आज हमारे दो प्याज छोटे साइज के मिले हैं, लहसुन है, अदरक है एक टुकड़ा और एक हरी मिर्च है। इसका हम दरदरा पीस लेते हैं। उसको हमारा तेल गर्म हो जाए। हमने इसमें जीरा डाल दिया है, जीरा हमारा होने लगा है। तो इसके अंदर हम एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है वो डाल देते हैं। दो लौंग है वो डाल दे रहे हैं। इलायची का हमने डाल दिया। अब हम प्याज और जो हमने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाया था वो डाल देते हैं। इसको भून लेते हैं। गया है। अब इसके अंदर हमने दो टमाटर की ग्रेवी है जो पेस्ट बना लिया वो डाल देते हैं। तो हमें जब तक भून रहा है जब तक हमारा तेल अलग ना हो जाए। इसको हम इसके अंदर अभी हमारे टमाटर जब भून रहे हैं इसके अंदर कुछ मसाला डाल देते हैं जिससे हमारे टमाटर के साथ मसाले भी भून जाए। एक चम्मच धनिया पाउडर हम डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा कलर आ जाए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रहे हैं और एक मिनट चला देते हैं पहले। नमक स्वादानुसार डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं आधा चम्मच। गरम मसाला डाल दे रहे हैं। इसको हम भून लेते हैं सारे मसालों को। हमारे मसाले हो गए तो अब पानी डाल देते हैं। एक गिलास पानी हम डाल दे रहे हैं इसके अंदर और इस ग्रेवी को एक बॉईल आने देते हैं। दोस्तों हमारे बेसन देखिए फूल के हो गए, टाइम हो गया 10 मिनट हो गया। तो हमने एक आलू काट लिया था बारीक और हमने इसको पानी में रखा था। तो अभी हमने पानी में से इसको निकाल लिया है। एक आलू डाल देते हैं। ऐसे का एक प्याज काटा है हमने वो भी डाल देते हैं। और ये हमारे पास एक चम्मच अदरक और लहसुन का हमने ग्रेटेड कर लिया था वो डाल देते हैं इसके अंदर। डाल देते हैं और हाथों से हम इसको मिला लेंगे। काट के रखा पहले थोड़ा थोड़ा पालक डालेंगे और फिर मिला लेते हैं। हमने पालक पहले नहीं मिला था क्योंकि पालक और आलू ये सब जो चीज़ें हैं पानी छोड़ती है, इसके लिए हमने सबसे लास्ट में मिलाया है तुरंत हम इसको कर सके। इसके अंदर हम चावल के आटा मिला रहे हैं। दो चम्मच के करीब मैं चावल का आटा मिला रही हूँ।
एक चम्मच मिला दिया, एक चम्मच और मिला दिया। चावल का आटा इसलिए मिला हमने कि हमारा जो पालक है पकौड़े वो क्रिस्पी बनेंगे, और हमने थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर भी डाल दिया था, इससे हमारे जो पकौड़े हैं थोड़े फूलेंगे। हमने चावल हमारा तेल हो गया है, हम छोटे छोटे पकौड़े की तरह डाल देते हैं। तो वो बोलता रहता कृष्णा तभी। पलट लिए है उसको, क्रिस्पी कर लेते हैं अच्छे से, थोड़ा सा लाल कर लेंगे पालक के पकोड़े को। देखिए हमारे क्रिस्पी पकोड़े बनके तैयार हो गए। आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, तीखी चटनी या मीठी चटनी जिसके साथ भी खाना चाहे। ये हमारे दूसरे साइड के पकोड़े तैयार हो रहे हैं, हमने एक बार डाला था फिर इसको आप पलट लिया है, इसको भी हम क्रिस्पी तैयार कर लेंगे अच्छे से। आज की हमारी डिनर की रेसिपी है पालक पकौड़ा की रेसिपी है, हम इसको बनाने के बाद ग्रेवी में डालेंगे और हमारे ग्रेवी बन के तैयार है। अब से हमें पकौड़े बनाने की तैयारी है। ग्रेवी ये बन गया है, ग्रेवी तैयार है, अब इसमें डालेंगे सारा, इसको डाल करके रोटी बनाएगी फिर हम सब लोग खाएंगे। तो आज की रेसिपी है पालक पकौड़ा सब्जी एंड रोटी। ये और पकौड़े बना रही है, देखिए देखिए हमारे पास और भी बचे हैं, फिर पकौड़ा और खाएंगे भी, और मेरा बच्चे को बहुत पसंद है, मेरे लड़के को, वो भी खाएगा, वो भी खाएगा, उसको भी अच्छा लगता है खाने के लिए, चट पसंद आती है खाने के लिए। ये पकौड़ा भी बन रहा है और ये हमारा हो गया है, उसको प्लेट में निकाल लेते। देखिए ये पकौड़ा तल दिया, पकौड़ा बना लिया, अब इसको हम डालेंगे उसमें ग्रेवी में डाल करके, फिर सब्जी बन जाएगी, सब्जी रोटी खाएंगे हम लोग। मसीमा चलिए, गला खराब है थोड़ा सा क्योंकि तबीयत खराब हुई थी, तभी थोड़ा सा अस्वस्थ है, रेसिपी तो बनाना था इसलिए मैंने कहा चलो मैं भी तुम्हारा हेल्प कर दूँ। ग्रेवी बहुत पहले बना रही थी तो ठंडी हो गई थी, तो हमने अभी इसको बॉईल कर लिया है, सारे हम पकौड़े डाल देते, तो मिला लेते हैं अच्छे से, और हमारी पालक पकौड़ा सब्जी की तैयार हो गई है, ग्रेवी और पालक पकौड़ा भी तैयार हो गया है। तो अब हम रोटी बनाएंगे और हमारी बॉईल आने देते हैं अच्छे से। तो हमारा पालक पकौड़ा सब्जी बन के तैयार हो गया है। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, पराठा नान जिसके साथ भी आप खाना चाहे खा सकते हैं, इसको काफी स्वादिष्ट बना है। एक चम्मच हम थोड़ा भूल गए थे, अभी डाल देते हैं, और से खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्जी में, और हम ऊपर नीचे इसको कर देंगे।